हम सभी को सदियों तक प्रेरणा दे सकने वाले पूज्य ब्रह्मलीन प्रमुख स्वामी जी महाराज को जब जब मैं याद करता हूँ, तब तब अंतकरण भर करके आता है। इस कराल कलयुग में हजार से अधिक मंदिरों का निर्माण करना, 100 से अधिक संतों का निर्माण करना, इतनी सारी पधरावनी करना, सामान्य से सामान्य लोगों तक जाकर के मिलना, और एक संत को दीपस्तंभ होकर के कैसे सर्वत्र विचरण करना चाहिए यह अपने उदाहरण से सिखाना, ये सामान्य बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन को तिल तिल गलाया और तिल तिल गला करके प्रकाश दिया संसार को, हमारे धर्म को आधार दिया और हम सब लोगों को एक प्रेरणा के स्तंभ होकर के वे खड़े हो गए। इसके कारण बहुत बड़ा संबल मिलता है, स्फूर्ति प्राप्त होती है। ऐसे महापुरुष कभी कभी पधारते हैं, लेकिन वे आने वाले अनेक शतकों तक अपना प्रकाश लोगों को वितरित करते रहते हैं। इस प्रकार के एक ज्योतिर्मय प्रकाशपुंज की समाधि के स्थान पर आकर के मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो कार्य आपने किया, उस कार्य की प्रेरणा हमारे भीतर शतांश भी जगेगी तो भी हम जगत में चमत्कार खड़े कर देंगे। आप लोगों ने रास्ता तो निर्माण कर ही दिया है, अब लोगों को साथ लेकर के उस मार्ग पर आगे चलने का काम हमारा है। यह भी काम तभी होगा जब हमारे पुरुषार्थ के साथ आपकी कृपा का प्रसाद रहेगा, वह प्रसाद निरंतर प्राप्त हो, यह याचना करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरा विश्वास है कि उनके भीतर जो करुणा थी, उस करुणा के कारण ये प्रसाद निश्चित रूप से हम सबको मिलेगा और हम सब साथ चलते हुए भारत माता की सेवा में लगे रहेंगे, जिसमें विश्व का मांगल्य निहित है।